Please take a moment to subscribe by pressing the bell icon on the YouTube app to never miss another update from Bolly to Box. 2 भारत के लिए मेकर्स ने पहले प्रियंका चोपड़ा को रोप इन किया था, लेकिन एक शॉकिंग मूव के चलते पीसी ने शूटिंग के कुछ दिन पहले ही इस फिल्म से किनारा कर दिया और फिल्म के इस क्रिटिकल मोड पर फिल्म की लीडिंग लेडी के ना होना एक बहुत बड़ी मुसीबत बन गई। मगर तब मेकर्स ने कटरीना कैफ को अप्रोच किया और अली अब्बास जफर और सलमान खान की दोस्ती के चलते कैट ने इस रोल को एक्सेप्ट कर लिया और फिल्म को डूबने से बचा लिया। उस वक्त कैट शाहरुख की फिल्म जीरो पर काम कर रही थी, मगर फिर भी उन्होंने अपने डेट्स अकोमोडेट किए ताकि वो भारत की प्रेपरेशन कर सकें। तो अब एक लाइव चैट के दौरान एक वेब यूजर ने जब कैट से पूछा कि उन्हें इस रोल के लिए क्या प्रेपरेशन करना पड़ा और क्या इश्यूज आए, तो सलमान ने हंसते हुए कहा, प्रियंका ने ज्यादा टाइम नहीं दिया। आगे जब कैट अपने रोल पर किए गए काम को डिस्क्राइब कर रही थी, तब एक बार फिर सलमान ने कहा, शी हैज वर्कड रियली हार्ड, अगर प्रियंका आपको थोड़ा सा और वक्त दे देती तो। वेल, इस एक स्टेटमेंट से सलमान ने एक तीर से दो निशाने मारे, कैट की तारीफ भी की और प्रियंका का मजाक भी उड़ाया। तो सलमान के सुल्तानी अंदाज के बारे में आपका क्या कहना है, हमें जरूर बताएं।